तो गाइस स्वागत है मेरा एक नई सुबह के साथ, एक बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ। इसका अपना एपिसोड है जो कि तांदुलवाड़ी से गोवा होने वाला है और 240 अराउंड किलोमीटर समवेयर अराउंड है। कल तो हम लोग को बारिश नहीं गिरा है और शायद से आज में भी थोड़ा बहुत बारिश मिल जाएगा, पर इट्स ओके, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, नो प्रॉब्लम, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फिलहाल हाईवे के बाजू में तो आवाज़ें बहुत आ रही है और आप देख सकते हो क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स हो चुके हैं और हम लोग को भी तैयारी में रहना। वैसे रेन गेयर्स हम लोग पहन के जाएंगे, फिलहाल यहाँ से निकलने वाले हैं, अभी चेकआउट कर रहे हैं। कल आपको रूम टूर नहीं दिया था तो रूम टूर दिखा देता हूँ, मतलब 800 रुपीज़ में और क्या चाहिए बस। वो भी हाईवे के बाजू में अच्छा खासा होटल है। ये कबर्ड है, टीवी तो हम देखते नहीं है, वॉशरूम, बेड। ये प्रतीक, गुड मॉर्निंग। तो ऐसा पसारा गिरा हुआ है, तो यहाँ से निकलते हैं और सुहास भाई के घर पर जाते हैं, उन्होंने टी के लिए बुलाया, वहाँ से टी पीते ही निकल जाते हैं अभी। तो ये सुहास भाई का लड़का है छोटू। तो अभी हम लोग जस्ट चाय पिए यहाँ से और गांव वाला फील रहता ना वो आ रहा है और घर की याद आ गई। थैंक यू सुहास भाई फॉर द टी। कभी भी। और ये भी बहुत अच्छे राइड करते हैं, बहुत सारे राइड इन्होंने भी किए हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आईडी दे देता हूँ। ओके, तो अभी चलते, बहुत दूर जाना है, तो थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। चलो इस टाइम फॉर लीविंग, निकल रहे सुहास भाई, चला भेटू ना परत मुंबई ला, या भेटू अपन, चला मुंबई आ जाओ, आप भी मुंबई आ जाओ, मिलते बाय। चलो गणपति अप्पा मोरिया। तो अब लोग निकले हैं तांदुलवाड़ी से अभी और मौसम देखो भाई, एकदम खतरनाक वाला हो गया है, बारिश। हम लोग भी रेडी है, रेनकोट, रेन लाइनर सब पहन के, और अपना कैमरा तो है, वाटरप्रूफ कर दिया था, तो कोई टेंशन नहीं है बारिश आई तो भी। और ज़्यादा ही हवा और ज़्यादा ही बारिश आ गई तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे कहीं, तो रिस्क नहीं लेना है, स्लो जाएंगे, 250 किलोमीटर्स है यहाँ से, पर आराम से जाएंगे। इसके लिए हम लोग ने ये, मतलब ये सब ऐसा हो सकता है आगे, इसके लिए हम लोग ने कल डायरेक्ट मुंबई टू गोवा किया नहीं, यही एक रीज़न था, क्योंकि बारिश में हम लोग को रिस्क नहीं लेना था, ये एक रीज़न था और कुछ नहीं था। और बारिश यहाँ पे चालू हुई है बॉस, और हमको जाना है आराम से। आज जाएंगे हम अम्बोली घाट से, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर्स जाने के बाद हमको एक राइट टर्न आएगा, वहाँ से जाना है। क्या बोलूँ अब इन लोगों को, कार में से थूक रहा है भाई। तो प्लान है कि आगे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, फिलहाल पीछे बारिश आई थी, थोड़ी ड्रिजल हुई, ज़्यादा बारिश आई नहीं, पर वेदर फोरकास्ट बोल रहा है कि मतलब आज बारिश गिरेगी, अभी पता नहीं, गिरेगी तो है ये कंफर्म है। तो राइड की एक दिन पहले हम लोग ने आरटीपीसीआर करा था और कल ही हमारा रिजल्ट आया है, जो कि है भाई नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एक फ़ोटो दे दूंगा उसका नेगेटिव करके। तो बस अभी तो खुशी खुशी है जाने के लिए, क्योंकि आरटीपीसीआर के सिवाय हमको गोवा में एंटर करने नहीं देंगे, वहाँ पर रैपिड टेस्ट भी होता है, पर देखते अभी आरटीपीसीआर दिखाएंगे तो कैसा हम लोग के पास प्रूफ होगा कि हम लोग नेगेटिव है, और वो बेसिकली 72 आवर्स चलता है, सो 3 दिन हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और या फिर आरटीपीसीआर देख के हमको छोड़ देंगे या फिर रैपिड टेस्ट भी करेंगे, वो अभी उधर जाके ही पता चलेगा हमको, लेट्स सी क्या होता है आगे। बॉस ये ट्रैफिक काय का है यार, क्या हुआ है आगे पता नहीं यार, देखना पड़ेगा, एक्सीडेंट हुआ है शायद से बॉस। ये देखो कांच ही कांच हो गया यहाँ पे, ये गाड़ी और ये गाड़ी का हुआ है शायद से, ये देखो यार बॉस, आए बोलना रे यार, देखो इसको, देखो ये गाड़ी को, देखो
ये मतलब ये ट्रिप का सेकंड एक्सीडेंट है बॉस। क्या हालत हो गया गाड़ी का। ये देखो यार बॉस, मतलब क्या है आगे वो ट्रक है, शायद से उसने ब्रेक मार दिया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। उसने ब्रेक मारा तो उसके पीछे वो, उसके पीछे वो, क्या हो रहा है बॉस। संभाल के चलाओ यार गाड़ी। ये देखो ये ट्रक है, इसने ब्रेक दबाया अर्जेंट, पीछे वाला ट्रक वो भी गया, उसके पीछे वाला ट्रक वो भी गया। ऐसा होता रहता हाईवे पे, कोई नहीं। चलो जो नीचे का एरिया देख रहे हो आप, ये पूरा फ्लड से भरा था कुछ दिन पहले। जब हम लोग कोल्हापुर से निकले, अभी 1 किलोमीटर आ गया है बॉस, इतना गंदा, मतलब इतना गंदा फ्लड था ना यहाँ पे, क्या बोलूँ यार। मतलब बारिश गिरो पर इतनी नहीं कि भाई इंसानों को ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए। गिरो, थोड़ी देर गिरो, बंद हो जाए, चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देखा ही होगा कि रत्नागिरी, चिपलून, खेड़, यहाँ पे कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे बारिश ने। तो अभी जब हम लोग रुके थे यहाँ पे हाईवे पे, सब्सक्राइबर मिले, संजोक नाम है इनका, कोल्हापुर रहता था ना, अभी कोल्हापुर रहता। चलो अच्छा है, अभी यहाँ से अंबोली घाट है 140 किलोमीटर। देख खाने के लिए दिया भाई संजोग ने, थैंक यू संजोग। बॉस नज़ारे देखो यार, रोड देखो कितना सीधा है एकदम, और चारों बाजू ग्रीनरी, और रोड्स काफी अच्छे हैं। मतलब कोल्हापुर से जो छोड़ा है ना हम लोग ने, रोड्स एक भी खड्डा नहीं है, मतलब बीच बीच में थोड़े थोड़े खड्डे आ जाते हैं, बड़ा वो चलता है। To mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it real. More than just a thrill. ये है होटल गोवा, यहाँ से हम लोग को स्ट्रेट जाना है अंबोली घाट के लिए। हम लोग गलती से मैं आगे चला गया था, क्या बोल रहा है? ये वाले रुख से सीधा सीधा जाना है अंबोली घाट वगैरह लगे हुए। हाँ चलो, रिफ्यूलिंग भी करना है अपने को आगे। आगे पेट्रोल पंप में क्या पूछना पड़ेगा? ये जस्ट ब्रेकफास्ट किया, आपने देखा अभी क्या किया ब्रेकफास्ट, इडली वड़ा और सांभर। यहाँ पे अभी हो गया 45 मिनट्स, निकलने का टाइम हुआ है, बहुत दूर जाना है। ऑलमोस्ट हम लोग ने किया 70 किलोमीटर्स कवर, फर्स्ट करके हुआ है। अभी कॉफ़ी पीते, साउथ में कॉफ़ी ज़्यादा फेमस है इसके लिए कॉफ़ी पी रहे हैं, नॉर्थ में टी ज़्यादा फेमस है टी पे। ऑलमोस्ट हम लोग को 45 मिनट्स हुए ना प्रतीक यहाँ पे बैठ के, 45 मिनट्स हुए आज के, है ना, कम किलोमीटर है इसलिए हम आराम आराम से एकदम राइड कर रहे हैं। ब्रेक भी बड़ा अगर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाएंगे एकदम आराम से। यहाँ से अंबोली है, जो कि अंबोली घाट है 70 किलोमीटर, जहाँ से हम लोग ने अभी ब्रेकफास्ट किया। और काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, मतलब देख सकते हो बहुत सारे, मतलब खेत हैं यहाँ पे, देर मेरे राइट हैंड साइड पे देख सकते हो खेत, मस्त लग रहा है, ओपन एकदम ग्रीनरी के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। सोने की दुकान नहीं मिलेगा। हाँ भाई अभी फिलहाल रिफ्यूलिंग कर रहा है, बीच में बारिश मिल रही है, बीच में बारिश नहीं मिल रही है, इट्स ओके, ऐसा होएगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। कंटिन्यूस बारिश नहीं चाहिए बॉस, मोटा लॉगिंग कैसे करेंगे, करेंगे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और क्या है ना, ऐसे सामने सामने व्यू दिखाने को अच्छा लगता है यार, मस्त लग रहा है। गन्ने के खेत बाजू में, ये ऐसा रोड, बाजू में सब ग्रीनरी, एक नंबर। हम लोग का ये गोवा का प्लान का बहुत पहले से था, हम लोग गोवा करके फिर कोकण, चिपलून, रत्नागिरी ये सब करके आने वाले थे, पर बारिश के कारण, ये फ्लड के कारण पूरी, मतलब इतनी स्थिति, परिस्थिति इतनी गंदी हो गई वहाँ की कि हम लोग कैंसिल करना पड़ा वो पार्ट। सिर्फ अभी गोवा जा रहे हैं, ये अंबोली कैसा अंदर से जाता है पर जल्दी पहुँचाता है, तो हम लोग कंटिन्यूस थे। तो एट द मोस्ट फाइनली हम लोग को मालूम गिरा कि अंबोली घाट खुल चुका है, तो दूसरे दिन ही हम लोग
फटाक से निकल गए। आरटीपीसीआर तो करके रख दिया था पहले दिन ही, तो चांसेस मतलब यहाँ से जाने के चांसेस 99% नहीं थे, 75% थे। पर दूसरे दिन पता चला कि हाँ भाई 100% ये खुल गया रोड, और ये रोड मतलब बंद करके भी रख नहीं सकते क्योंकि कमर्शियल रोड है। मतलब जो भी जितने भी मतलब बड़े बड़े ट्रक्स हो, सप्लायर्स हो, एक्सपोर्टर्स हो, इम्पोर्ट करते एक्सपोर्ट करते यही रोड है, यही रोड वो एक है जहाँ से ज़्यादा सामान जाता है और शॉर्टकट रोड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो ये बंद करके रख नहीं सकते। तो अभी हम लोग आए थे, ये जो सिनारियो सीन देखे, जो रुकने का मन किया बहुत, एक नंबर हुआ है, एक नंबर। ये ऐसा ये रोड है मस्त, ये ग्रीनरी इधर, और यहाँ पे सोचा कि भाई चाय पीना या कॉफ़ी पीना ज़रूरी है, तो एक चाय की चुस्की हो जाए, कॉफ़ी की चुस्की हो जाए। तो अभी हम लोग ने मंगाया कॉफ़ी, मस्त पीते और गर्म हो जाते, बहुत ठंडी लग रही है यहाँ पे फिलहाल। तो कॉफ़ी चाय नहीं है, कॉफ़ी। एक नंबर। तो फाइनली अंबोली घाट चालू हो चुका है, और यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद अंबोली वाटरफॉल भी आता है, जो कि बहुत फेमस वाटरफॉल है ये कोंकण साइड में। बहुत स्लो जाना पड़ेगा बॉस, ये घाट पे मैं पहली बार चला रहा हूँ, और बहुत संभल के जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हालांकि हो चुकी थी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा बॉस, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत स्लो जाना पड़ेगा। सामने कुछ दिखाई दे रहा है तो बोलो, आपको कुछ नहीं दिख रहा है बॉस। एक काम करता हूँ, मैं फॉग लाइट भी चालू कर देता हूँ, तो सामने से जो भी आएगा तो एटलीस्ट पता तो चलेगा। बिल्ली जा रही है, मैं डर गया, मेरे वाला कुछ है कि क्या। वेलकम टू अंबोली घाट, द मोस्ट डेंजरस घाट इन कोंकण। ये पूरा जो माउंटेन्स है वो सह्याद्री माउंटेन है, सह्याद्री माउंटेन्स बोला जाता है इनको, और ये माउंटेन्स बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। जैसे आपने मालशेदात का वीडियो देखा होगा, वो भी सह्याद्री माउंटेन्स थे। राइट हैंड साइड में घाट है, मतलब क्या बोलूँ आपको, अभी बहुत स्लो जाना पड़ेगा बॉस, बहुत स्लो। आगे अगर वाटरफॉल मिलेगा तो दिखाता हूँ आपको। फिलहाल यहाँ पे कोई फॉग नहीं है। ओह माय गॉड, सी दिस, क्या खतरनाक लग रहा है बॉस। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो एक पिक्चर दिखाऊंगा आपको, ये स्क्रीन पे आता रहेगा लेफ्ट में, वो यहाँ का जो पानी था वो ओवरफ्लो होके यहाँ से ऊपर से, आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है ये, यहाँ पे अभी इमेज आता रहेगा इधर किधर साइड में, तो पूरा लैंडस्लाइड यहाँ पे आया था और वो पानी पूरा ओवरफ्लो होके रोड के ऊपर से जा रहा था। तो गाइस एंजॉयिंग द अंबोली वाटरफॉल, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन कोंकण, जो कि ये वाटरफॉल इतना खतरनाक हो चुका था। तो हम लोग अभी जा रहे चल के, ये देखो चल के जा रहे बॉस, मतलब इतना आए तो वाटरफॉल में थोड़ा ऊपर तक जाके आते, वैसे भी स्टेयरकेस बना है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होएगा चढ़ने के लिए। चलो और आगे जाते, थोड़ा मज़ा आएगा। ये देखो पानी का फ्लो देखो कितना खतरनाक है, इतना ह्यूज वाटरफॉल है। ये सब एंजॉय कर रहे हैं गाइस,
फिलहाल तो टूरिस्ट अलाउड नहीं है यहाँ पे, पर हम लोग ऑफिशियली आरटीपीसीआर टेस्ट वो सब करके लेके आए इसके लिए। पीछे प्रतीक को पकड़ा था पुलिस वालों ने, तो आपको उसके वीडियो में पता चल जाएगा। क्या मज़ा और क्या चाहिए बॉस। तो अपने राइट साइड में सावंतवाड़ी बस स्टैंड है। फिर से ये गोप्रो का प्रॉब्लम हुआ था यार, ये हैंग होना कब बंद होएगा भगवान को जाने। प्रतीक आगे किधर खाना खाने है? रुक जाते ठीक है। हम लोग अभी खाने के लिए ढूंढ रहे, खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, तो देखते हैं यार किधर मिलता है लंच करने के लिए। काफ़ी दुकानें सब बंद है और हम लोग अभी आए हैं मुंबई गोवा हाईवे पे। भाई देखो अपना खाना बनाया जा रहा है यहाँ पे, चिकन थाली मस्त में। भाई आपका नाम क्या है? ओमकार। ओमकार, ओमकार पूर्ण नाम? ओमकार संजय नाइक। ओमकार संजय नाइक, ये हमारे लिए खाना बना रहे आज का, जो कि मुश्किल से मिला है। हम लोग आए पांडा में, जो कि यहाँ से गोवा बॉर्डर है 2 किलोमीटर, और ये महाराष्ट्र है और वहाँ पे गोवा है। 2 किलोमीटर के बाद गोवा आ जाएगा। बहुत मुश्किल से खाना मिला है, प्रॉबेबली मिल नहीं रहा था, तो अभी देखते हैं ओमकार ने खाना बनाया कैसा है खाना। चिकन थाली ऑर्डर किया था। एक नंबर। और क्या चाहिए? इतनी देर भूखे रहने के बाद अगर टेस्टी खाना मिलेगा तो प्रतीक क्या मजा आता है। एक नंबर है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हाँ चेक पोस्ट तो लगा है, अभी आगे जाके देखते क्या सिनारियो है। रोक रहे कि छोड़ रहे? ओके लेट्स देखते। शायद से मुझे भी लग रहा है आरटीपीसीआर चेक होगा। लेट्स सी क्या होता है, पहले निकाल के रखता हूँ ना आरटीपीसीआर। नाव चुकले मर तुझे हेमंत घातला म्हणजे हेमंत। अच्छा नो यस 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 राइट राइट MANT। यू शुड रजिस्टर नंबर, वी कैन गो। ओके थैंक यू। तो कुछ नहीं सिर्फ आरटीपीसीआर चेक किया। चलो थैंक यू। कुछ नहीं सिर्फ आरटीपीसीआर चेक किया। इन गोवा आपको कहीं भी कौन से भी अदर स्टेट में जाना होगा तो आरटीपीसीआर मस्ट है। ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है आज के तारीख में अगर आपको दूसरे स्टेट में जाना है। जाम चेंजेस आ लेता था, जाम चेंजेस आ लेते बोल लो गोवा मध्ये। हम लोग आज रुके हैं मार्थर में, जो कि गोवा का एक छोटा सा हिस्सा है, और बहुत होटल देखने के बाद फाइनली हम लोग को ये होटल मिला है, जो कि 1000 रुपीज़ में मिला है 2 दिन के लिए, और 5 से 6 होटल घूम के हो गया उसके बाद फाइनली मिला है। तो चेहरे से पता चलेगा कितना थक गया वो। हम लोग 5:00 समवेयर अराउंड मापसा में थे, उसके बाद घूमते 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 फाइनली होटल में आए। ठीक है कोई नहीं, होते रहता है ऐसा। एक सीख मिली है कि कोई भी जगह पे जाने से पहले थोड़ा सर्वे करे, उसके बारे में थोड़ा पता करे कि होटल चालू है कि नहीं चालू है। ओके COVID-19 है इसके लिए बहुत से होटल बंद रहते हैं, तो अभी वो लोग भी कुछ कर नहीं सकते, बिजनेस नहीं है तो होटल बंद करना ही पड़ेगा। कोई नहीं ऐसे होते रहता है, नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे ये सब चीज़। और हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं दिखा होगा तो फर्स्ट एपिसोड नहीं दिखा होगा तो जाके देखिए,
थोड़ा प्यार दीजिए उसको और अपने YouTube फैमिली को 2K जल्दी कीजिए यार। 1555 समवेयर अराउंड सब्सक्राइबर हुए ये सीरीज के बाद, जो गोवा सीरीज है अपना मानसून गोवा सीरीज, 2K कर दीजिए प्लीज़। मेहनत चल रही है, रील व्लॉग्स डालने का कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आपका भी प्यार चाहिए मुझे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नए हो तो। टिल देन डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। बूम।